हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आ चुकी हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है हरियाणा पुलिस की तरफ से कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, साथ ही साथ बम्पर नंबर की वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए, और इसके लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इलिजिबल रहने वाले हैं। जैसा आपको पता है कि हरियाणा के लिए, बट दूसरे स्टेट जैसे कि बिहार, यूपी, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, मतलब कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इच्छुक हो फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। सेलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल, सारा कुछ बताऊंगी। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है, और इस रिक्रूटमेंट का जो पेपर वगैरह या सारा कुछ किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा, देखिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC के थ्रू ये वैकेंसी कंडक्ट कराई जाएगी। टोटल पोस्ट पहले ही बताया कि बम्पर नंबर की रहेगी, 6000 सीट के लिए आपकी वैकेंसी आई है। अब देखते हैं मेल और फीमेल का कितना कितना है, पहले समझते हैं कैटेगरी वाइज मेल फीमेल का क्या है। देखिए मेल कैंडिडेट का देख लेते हैं पहले, जनरल के लिए 1800 सीट है, एससी के लिए 900, बीसीए के लिए 700, बीसीबी के लिए 400 और ईडब्ल्यूएस के लिए 500। टोटल देखें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 6000 में से 5000 सीट रहने वाला है। फीमेल्स के लिए जनरल का 360, एससी का 180, बीसीए का 140, बीसीबी का 80, ईडब्ल्यूएस का 100, मतलब ओवरऑल कैलकुलेट करें तो फीमेल्स का यहां पर 1000 सीट रहने वाला है। अब देखते हैं कि इन सीट के लिए अप्लाई कब से हो रहा है। फ्रेंड्स, आपका ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है फ्रॉम 20 फेब, मतलब 20 फरवरी से 21 मार्च इसका लास्ट डेट रहने वाला है। सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर 21 मार्च। पता है कि ऑनलाइन हो रहा है, जितना जल्दी फॉर्म अप्लाई करोगे बाद में सर्वर इशू से बच जाओगे, अच्छा रहेगा। चलिए देखिए फॉर्म की फी क्या रहने वाली है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट से कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, तो आप जल्दी जल्दी से जाके फॉर्म अप्लाई कर दो। चलिए देखिए एज की लिमिट क्या होगी, पहले जानते हैं किस डेट से कैलकुलेशन होगा। एज ऑन 1st of Feb 2024, मतलब 1 फरवरी 2024 के हिसाब से 18 वर्ष से 25 वर्ष, मतलब 18 टू 25 वर्ष के सभी कैंडिडेट्स इलिजिबल रहेंगे। रिलैक्सेशन मिलता है ईडब्ल्यूएस, बीसी और एससी को 5 इयर्स का। फ्रेंड्स, यहां पर बहुत अच्छी एक खुशखबरी आई है, सारे कैंडिडेट्स को ना 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए तो यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो 3 इयर्स का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन होगा, तो उनका हो जाएगा 18 वर्ष से 28 वर्ष, और जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं जिनको 5 वर्ष का मिल रहा था, उनको 3 वर्ष और यानी कि 8 वर्ष का उनको छूट मिलेगा। आई होप कि जो एज का पूरा प्रॉपर मैटर आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे अगर बात करें कि क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, 10+2 पास आउट, मतलब कि जिन्होंने भी इंटर पास कर रखा है, डजंट मैटर व्हाट इज योर स्ट्रीम, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कोई भी आपका स्ट्रीम रहा हो, क्या परसेंटेज है, आपने 12th पास कर रखा है, आप एलिजिबल रहोगे। देखिए यहाँ पर एक और मेन पॉइंट आप अच्छे से समझिएगा, वहां पर मेंशन किया गया है कि वो कैंडिडेट जो कि 12th पास है, साथ ही साथ हिंदी या फिर संस्कृत दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट जिन्होंने 10th क्लास में पढ़ा है, वो ही यहाँ पर इलिजिबल रहेंगे। तो देखिए आपने 10th में हिंदी और संस्कृत अगर लिया है तो आप इलिजिबल रहोगे, अदरवाइज आपका कोई यहाँ पर डिमांड नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होने वाली है। योर सेलेक्शन इज डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। आइए मैं स्टेज वाइज स्टेज क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ। पहले स्टेज पर होता है फिजिकल, जिसमें कि PST एंड आपका PET होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल आपका जो इलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट, चेस्ट की मेजरमेंट होती है, उसके बाद आपका रनिंग होता है, उसमें क्वालिफाई जब आप कर जाते हो तो आपका रिटर्न एग्जाम होता है। ये एग्जाम ऑफलाइन होता है,
इसका वेटेज अगर बात करें तो ऐसे तो 100 क्वेश्चंस का होता है, लेकिन इसका वेटेज 94.5% ही होता है। मतलब कि परीक्षा का 94.5 मार्क्स आपका एलिजिबल है, और उसके बाद आप सोचेंगे कि बाकी का जो 5.5% है वो क्या चीज में आपको मिलेगा। डीवी जब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब 5.5% वेटेज डीवी के समय मिलेगा। 3% एनसीसी वालों को दिया जाएगा, और 2.5% जो है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जिनका कि सामाजिक या आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के विद्यार्थी होंगे उनको यहाँ पर 2.5% का इजाफा दिया जाएगा। लास्टली आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। चलिए अब स्टेज वाइज स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में समझ लेते हैं। पहले स्टेज पर आपका क्या होता है, पीएमटी, देन होता है पीईटी। ये दोनों एक साथ होता है आपका फिजिकल के समय। देखिए पीएमटी में आपका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है। मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है 170 सेंटीमीटर है, और रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 168 है। फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट 158 सेंटीमीटर, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 156 सेंटीमीटर। चेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स 83-87 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 81-85, मतलब 81-85 सेंटीमीटर, इसमें भी 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन रहेगा। और इसके बाद आपका रनिंग का टेस्ट होता है। मेल कैंडिडेट्स को 2.5 किलोमीटर की रनिंग होती है, यहाँ पर 12 मिनट में कंप्लीट करना होता है। उसके बाद फीमेल्स को 1 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करना होता है। फिर एक सर्विस मैन के लिए भी रिक्वायरमेंट है, उनको 1 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। और आफ्टर फिजिकल आपका क्या होता है, एग्जाम होता है। पहले ही बताया कि ऑफलाइन होगा, तो ऑल इंडिया के जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनको ऑफलाइन पेपर है, तो हरियाणा के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो एग्जाम सेंटर रहेगा वहां पे जाके पेपर देना होगा। चलिए देखिए अब एग्जाम का पैटर्न क्या है। 100 क्वेश्चंस का होगा 94.5 मार्क्स, मतलब पहले ही बताया कि 94.5% ही वेटेज आपका एग्जाम का होने वाला है। साथ ही साथ बता दूं कि समय आपका 90 मिनट यानी डेढ़ घंटा का आपका पेपर होगा। और एक और प्लस पॉइंट है कि देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर आपको किसी मतलब आंसर पे डाउट है कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है, तो आप वहां पर टिक लगा के आ सकते हो। चलिए देखिए किन किन सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटली यहाँ पे 7 सब्जेक्ट है। पहला जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन, दूसरा जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, फिर आपका मैथमेटिक्स का रहेगा, रीजनिंग से प्रश्न होंगे, करेंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर, लास्टली कंप्यूटर नॉलेज ईटीसी। मतलब ईटीसी का मतलब कि हरियाणा से रिलेटेड जीके जीएस वगैरह भी है। इसका एक प्रॉपर सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगी, उसको डाउनलोड करके आप जरूर देख लेना। चलिए अब लास्टली देख लेते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई होंगे, उसके बाद डीवी होगा, डीवी के बाद मेडिकल होगा, देन ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। तो आपको पता ही है कि हरियाणा का जॉब है, तो हरियाणा में डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी पोस्टिंग होगी। और सैलरी क्या मिलेगा आइए मैं बता देती हूँ। योर स्टार्टिंग सैलरी विल बी 21,700 रुपीज, एंड आफ्टर पर्क्स अलाउंसेज हर साल जो सैलरी में वृद्धि होगी उसके बाद आपकी सैलरी 70,000 के करीब हो जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है, बम्पर नंबर के सीट पर वैकेंसी आई है। तो मैं ये समझ रही हूँ कि मैंने जो कुछ भी आपको डिटेल बताया है आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप कहीं पर भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो घबराइए नहीं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहां पे आपका जो भी डाउट होगा सॉल्व कर दूंगी। अदरवाइज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिलेबस के साथ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।